लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 दिसंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सदस्य निलंबित, अब तक करीब 100 विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु स्टेशन पर भरा पानी ट्रैक क्षतिग्रस्त, 500 यात्री फंसे। वरिष्ठ नागरिकों का मास्क पहनना अनिवार्य, केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार का निर्देश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा -1 डिग्री, गुलमर्ग में तापमान -8 डिग्री, बर्फ में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। पूर्व आर्मी चीफ ने ऑटोबायोग्राफी में बताई गलवान की कहानी, लिखा 16 जून 2020 को जिनपिंग भूल नहीं पाएंगे। हरियाणा में सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस, पुलिस पहले जांच करेगी फिर लगेगी धारा 498A। पीएम के भाषण में पहली बार AI का इस्तेमाल, काशी तमिल संगमम में बोले, तमिलनाडु से काशी आना मतलब महादेव के दूसरे घर आना। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान जेल में बंद इमरान खान के भाषण के वर्चुअल शो से डाउन हुआ पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान से अवैध अफगानों को निकालने का सिलसिला जारी, अब तक 4 लाख से अधिक अप्रवासियों ने की वतन वापसी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास से बौखलाया किम जोंग, पूर्वी समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान अलर्ट। यूक्रेन के आर्मी चीफ के ऑफिस में जासूसी, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा काफिले से कार की टक्कर, जो बाइडन और पत्नी सुरक्षित, हिरासत में आरोपी। खेल संबंधित समाचार। इंडियन क्रिकेट के 400वें इंटरनेशनल प्लेयर बने साई सुदर्शन। मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है IPL 2024, 22 मार्च से मई अंत तक का विंडो तय। दुबई पैरा बैडमिंटन में मानसी तुलसी की जोड़ी जीती, सुहास एलवाई को रजत। फुटबॉल, कप्तान लॉकियर को मैच के दौरान पड़ा था दिल का दौरा, अब हालत स्थिर। बिजनेस संबंधित समाचार। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच सालाना UPI भुगतान 92 करोड़ से बढ़कर 8375 करोड़ रुपए हुआ। धोखाधड़ी वाले 2500 लोन ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए, वित्त मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। वित्तीय वर्ष 2023 तक 4 वर्षों में 5095 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, मंत्री ने सदन को बताया। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।